क्रिप्टो मार्केट जैसे बुलिश होते हैं तो उसके बाद क्या है कि हर तरह के हर कैटेगरी के जो कॉइन्स हैं अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छे प्रॉफिट देना शुरू कर देते हैं। और उन्हीं में से एक मीम कॉइन्स की कैटेगरी भी है जो अभी बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रही है। जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका अच्छा यूज़ केस भी है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे गेमिंग कॉइन्स की बात करें, AI बेस्ड कॉइन्स की बात करें, वैसे प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छा चलते तो हैं मार्केट में लेकिन उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं देते। लेकिन इस समय पे मीम कॉइन्स सडनली बहुत ही बड़े प्रॉफिट्स दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि अभी बुक ऑफ मीम्स के नाम से कॉइन है, बूम के नाम से हम बोल सकते हैं, BOME, तो इसने 2000% से भी ज़्यादा प्रॉफिट ऑलरेडी दिया पिछले 7 दिनों के अंदर। तो जब से ये यहाँ पे लिस्ट हुआ है कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, इसी के साथ साथ सारी बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर आ चुका है, यहाँ तक कि बाइनेंस के ऊपर भी आ चुका है, तो इसमें बहुत बड़े प्रॉफिट्स ऑलरेडी आ रहे हैं। लेकिन क्या ये टेम्परेरी है या फिर इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी पेपे कॉइन जैसे कॉइन्स काफ़ी सारे आए थे, तो वैसे ही एक कॉइन जो है ये बुक ऑफ मीम कॉइन है जो अभी मोस्ट ट्रेंडिंग कॉइन्स में से एक चल रहा है और प्रॉफिट भी सबसे ज़्यादा इसी में मिल रहा है। तो आज हम इसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले कि आखिर क्या इसका कोई यूज़ केस है या नहीं, इसका कोई फ्यूचर है या नहीं, अभी प्रॉफिट यहाँ से निकल रहे हैं तो क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, या फिर कितनी देर का इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये वीडियो पूरा देखते रहना, आप इसे लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वॉफ्ट ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जहाँ पे मैं हर एक अपडेट सबसे पहले डालता हूँ ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें क्रिप्टो को लेकर। हर एक अपडेट आपको वहीं पर मिलने वाली है। तो यहाँ पे मैंने आपको कल एक वीडियो दिया था जिसमें हमने top 3 मीम कॉइन्स की बात करी थी, जिसमें हमने लगभग सारे अच्छे कॉइन्स कवर किए थे विद रीजंस कि अभी ये अच्छे कॉइन्स क्यों हैं या फिर इनका यूज़ केस भी एक बन रहा है। तो हमने एक ट्रेंड नोटिस किया मार्केट में कि जब भी कोई भी मीम कॉइन मार्केट में आता है तो वो आता तो है लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसका एक यूज़ केस आना भी शुरू हो जाता है। आज से पहले हम अगर बात करें पेपे कॉइन की, तो पेपे कॉइन इतना ज़्यादा वायरल हुआ था कि इसकी लिस्टिंग बाइनेंस, जिमनी, हॉबी, हर तरह के एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग हुई थी, और आज भी ये कॉइन ट्रेंडिंग में ही चल रहा है। लेकिन अगर हम सच बोलें तो इसका आज भी कोई ऐसा बड़ा यूज़ केस नहीं है, आज भी ये ऐसे बिना किसी रीज़न के चल रहे हैं। वैसे ही जो बूम के नाम से ये कॉइन आया है, तो इसका अगर आप देखोगे इनका जो ट्विटर पेज है इसके ऊपर अगर कोई बात करिए तो वो सिर्फ इनका आर्ट ही डाला गया है, यानी कि कोई आर्टिस्ट है जो कि डूडल आर्ट करता है, डूडल मास्टर है, आर्ट प्रोड्यूसर है, तो डार्क फॉर्म्स के नाम से इसका अपना ट्विटर हैंडल है, यानी कि यहाँ पे इस प्रोजेक्ट का या फिर बूम का कोई भी जिक्र भी नहीं किया गया डायरेक्टली, बल्कि आर्ट्स ही डाले गए हैं जिनको फॉर सेल भी किया जाता है, यानी कि एज ए NFT भी सेल किया जाता है, या फिर कुछ ऐसे आर्ट्स भी होते हैं जो सेल के लिए नहीं होते लेकिन इसी ट्विटर हैंडल के ऊपर डाले जा रहे हैं। तो आपने यहां देखा होगा यहां पे इन्होंने ये भी बोला कि 600 मिलियन से भी ज्यादा इनको जो फॉलोअर्स मिले सिर्फ 2 दिन के अंदर, और यहां पे क्लियरली इन्होंने बोला कि ये ट्रेडर नहीं है बल्कि एक सिर्फ और सिर्फ आर्टिस्ट है और अपना आर्ट ही डालते हैं यहां पे। तो इनका कोई भी प्लान नहीं था, इनका कोई भी ऐसा मकसद नहीं था जिससे ये प्रॉफिट अर्न करें कि ये अपने बूम कॉइन को यहां पे लाकर कोई भी प्रॉफिट अर्न करें। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं बूम कॉइन कितना ज्यादा ऊपर गया है, जिसकी स्टार्टिंग में वैल्यू जो थी लगभग 30 स्टार्टिंग में थी और अभी इसकी वैल्यू $0.02 के आसपास पहुंच चुकी है, जो कि हम बोल सकते हैं 2 सेंट्स के आसपास पहुंच चुकी है, एंड डेफिनेटली ये $1 भी पहुंच सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आज अब देखोगे तो टॉप ट्रेंडिंग कॉइन्स में से एक अगर कोई दिख रहा है तो वो बूम कॉइन ही दिख रहा है बुक ऑफ मीम के नाम से। और अगर आप यहाँ पे 7 डेज के टॉप ट्रेंडिंग में से एक देखते हो जिसमें सबसे ज़्यादा गेंस हुए हैं तो 2460% से यहाँ पे यही कॉइन दिख रहा है। 24 आवर्स में देखें तो यहाँ पे टॉप में यही दिख रहा है जिसमें 142% का प्रॉफिट दिख रहा है। पिछले 1 आर की बात करें तो यहाँ पे भी जो लिस्ट है इसी लिस्ट में बूम कॉइन भी आ रहा है। तो इसी एक सडन गेन की वजह से इसका जो मार्केट कैप के हिसाब से रैंक है ये 81st हो चुका है, यानी कि 81 रैंक इसका हो चुका है। और 81 रैंक कैसे हुआ आप ये भी देख सकते हैं, इसका जो मार्केट कैप है $1.2 बिलियन से भी ऊपर पहुंच चुका है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है एक ऐसे मीम कॉइन के लिए, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा बॉन्ग कॉइन आया था, उसकी पोजीशन अभी 64 चल रही है। तो इतनी जल्दी हाइप बनी है इसकी, जिस कारण ये धीरे धीरे ऊपर ही लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन आपको बताया था कि यहाँ पे जो उनका मेन मकसद है, जो कि इसका क्रिएटर है, उसका मकसद ये है कि वो अपना आर्ट डालना चाह रहा था और उसने ऐसे मजाक में एक बूम के नाम से कॉइन भी बना दिया जो कि बुक ऑफ मीम के नाम से जाना जा रहा है। तो ये सिर्फ उनका एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट है। तो ये एक तरीके से एक्सपेरिमेंट किया गया मीम कल्चर के ऊपर कि जब भी कोई भी कॉइन आता है मार्केट में जब बुलिश होती है, चाहे वो मीम कॉइन ही क्यों ना हो, तो उसमें डेफिनेटली गेंस मिलते हैं। आप देख सकते हैं इसकी सप्लाई जो है वो भी एक रैंडम सा नंबर ही लिखा गया है, जो कि बनता है लगभग 69 बिलियन के आसपास बूम है, उससे 420 ऊपर है। यहाँ पे 69 एंड 420 दोनों ही नंबर ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे कम्युनिटी फंड के लिए इन्होंने 20% रखा है जो कि अनलॉक होने वाला 3 महीनों के अंदर, लिक्विडिटी पूल के लिए 30%, प्री सेल के लिए 50% यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे इन्होंने ये भी एक एड्रेस दिया है सोल का कि आप यहाँ पे सोल सेंड कर सकते हो।
और मिंट के हिसाब से यहाँ पे कॉइंस इनको बांटे जा रहे हैं जो भी परचेज इनको करना चाहता है। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे एक चीज़ देखी कि इसका कोई यूज़ केस नहीं है, इसका कोई भी फ्यूचर नहीं है। तो ऐसे मीम कॉइंस एक नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा आने वाले, काफ़ी सारे कॉइंस यहाँ पे मार्केट में आएंगे जो ऐसे ही कोई भी रैंडम सा नाम होगा, कोई भी ऐसा जानवर होगा, हो सकता है कुत्ता, बिल्ली, खरगोश या कोई भी आपने देखा होगा यहाँ मेंढक के बन रहे हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे कॉइंस आने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ का खास ध्यान जो देना है वो यही रखना है कि आप यहाँ पे एंट्री भी लोगे लेकिन एग्जिट भी करोगे, और कभी भी इतना पैसा नहीं लगाना कि आपने इतना ही ज़्यादा पैसा लगा दिया या फिर इतना ही बड़ा पोर्टफोलियो का परसेंटेज इन्वेस्ट कर दिया कि उसके बाद आप पछता रहे हो। हो सकता है डेफिनेटली आपको यहाँ पे हज़ारों परसेंटेज का प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन उसका उल्टा होना भी बहुत ही इजी हो सकता है, यानी कि उसका उल्टा भी हो सकता है, आपका पूरा का पूरा पैसा खत्म भी हो सकता है। लास्ट अगर हम मार्केट की बात करें, जब बुलिश मार्केट थी 2021 में, तो तब ऐसे बहुत सारे कॉइन्स आए थे। अगर हम सेफ मून की बात करते हैं, सेफ मून, सेफ मार्स, ऐसे बहुत सारे कॉइन्स आए थे जिनमें अगर हम इन्वेस्ट कर रहे थे तो हो सकता है प्रॉफिट मिला हो या फिर वहीं पे प्राइस रुक गया हो, लेकिन उसके बाद वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जीरो भी हुए। जैसे बेयर मार्केट आई वो प्रोजेक्ट्स बिल्कुल खत्म हो चुके थे। तो अभी सेफ मून ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि सेफ मून टोटली जा चुके हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं और जाते भी हैं, तो आपने कभी भी किसी प्रोजेक्ट के साथ चिपक के नहीं रहना, यानी कि उसमें इन्वेस्ट करो, उतना सा इन्वेस्ट करो जिससे प्रॉफिट बने तो भी ठीक है, नहीं बनता है तब भी आपके पोर्टफोलियो के ऊपर असर नहीं पड़ना चाहिए। जो आपके अच्छे एसेट्स हैं उनको एक साइड पे रखो, इनमें आप एक्सपेरिमेंट करते रहो, यहाँ पे एक सट्टेबाजी है वो लगाते रहो, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अमाउंट, थोड़ा सा अमाउंट लगाओ, प्रॉफिट बना तो ठीक है, वरना वो स्पेकुलेशन के हिसाब से टोटल लॉस हो जाएगा। तो इसका खास ध्यान देना, मैंने ये वीडियो बनाया बूम के बारे में, यहाँ पे सिर्फ आपको यही बताना था कि आप ऐसे कॉइंस में बड़ी इन्वेस्टमेंट मत करो, थोड़ा सा रिसर्च ज़रूर करो। एंड हाँ, आप मुझे सवाल कहीं भी पूछ सकते हो, टेलीग्राम के ऊपर आकर भी पूछ सकते हो, यहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हो कि कौन सा कॉइन सही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मीम कॉइन सारे के सारे बेकार होते हैं। अभी अगर हम बात करें शिबा इनू की या फिर फ्लॉकी इनू की, तो वो सारे कॉइन्स अच्छे भी हैं। डॉज कॉइन की बात करें तो उसकी बात करी जा रही थी कि इसको यूज़ किया जाएगा फॉर इन्वेस्टमेंट्स एंड इवन फॉर पेमेंट्स, तो वो अभी रिसेंटली बात ही करेगी, कुछ 4-5 दिन पहले ही बात करेगी है। तो डेफिनेटली मीम कॉइन्स कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी बहुत अच्छी पोजीशन यहाँ पे देख सकते हैं। 9th जो है, 9th मार्केट कैप के हिसाब से डॉज कॉइन चल रहा है, मार्केट कैप के हिसाब से जो 11th है शिबा इनू चल रहा है। तो अच्छे कॉइन्स भी हैं यहाँ पे, लेकिन हम सभी मीम कॉइन्स के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। आप पेपर देखोगे ये भी 39th के ऊपर पड़े। तो अगर यूज़ केस बनता है, अगर इकोसिस्टम को बड़ा करते हैं, तो डेफिनेटली वो कॉइन लंबा चलने वाला है। इस वक्त जो कॉम्पिटिटर्स हैं बूम के, वो पेपे एंड बॉन्क हैं। इसी के साथ साथ अगर हम शिबा इनू या डॉज कॉइन की बात करें, वो तो बहुत दूर पड़े हैं, यानी कि वहाँ तक मुझे लगता है बात पहुँच सकती है, क्योंकि अभी इसका जो मार्केट कैप है 1.2 बिलियन के आसपास ही है। तो वैसी पॉसिबिलिटी तो नहीं है, लेकिन इसमें अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान से प्रॉफिट ज़रूर बुक करना, यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगाना, क्योंकि अभी बाइनेंस के ऊपर भी आ चुका है, लगभग सारी एक्सचेंजेस के ऊपर आ चुका है, तो इजीली आप ट्रेड भी कर पाओगे। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट करो। उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।